हेलो दोस्तों, मैं सरोज यादव आपके लिए जीके के 10 प्रश्न लेकर आया हूँ जो इस बार अग्नि परीक्षा में पूछे जाएंगे। कम से कम इसमें से 2 प्रश्न 100% फंस जाएंगे, 2 प्रश्न 4 नंबर के हो गए। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किसी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक अग्निवीर विद्यार्थी ने कहा है, कोशिश करता रहूँगा जब तक। क्या कह रहा है कि कोशिश करता रहूँगा जब तक सांस चलेगी, कोशिश करता रहूँगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। कोशिश करता रहूँगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। मेरी किस्मत भी छीन लो और मेरी मेहनत भी, मेरी किस्मत भी छीन लो और मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीदें भी तोड़ दो और मेरा तजुर्बा भी, मेरी उम्मीदें भी तोड़ दो और मेरा तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊँगा, एक अग्निवीर ने कहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? ए अमेजन, बी गंगा, सी नील और डी सरस्वती। विकल्प नंबर बी सही हो जाए, गंगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा है। प्रश्न नंबर 2 है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? नंबर ए जेम्स प्रथम, नंबर बी जेम्स द्वितीय, नंबर सी हेनरी द्वितीय, नंबर डी हिटलर। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? विकल्प नंबर ए 1685 ईस्वी में, विकल्प नंबर बी 1689 ईस्वी में, विकल्प नंबर सी 1660 ईस्वी में, विकल्प नंबर डी 1670 ईस्वी में। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 1685 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4 है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए हिटलर, बी हेनरी, सी जानके, डी जेम्स वाट। विकल्प नंबर डी सही होगा, जेम्स वाट। प्रश्न नंबर 5 है, चमकीली विद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नंबर ए ऑक्सीजन, नंबर बी आर्गन, नंबर सी नियान, नंबर डी हीलियम। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, नियान। चमकीली विद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस नियान है। प्रश्न नंबर 6 है, किस देश में पुनर्जागरण काल सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? नंबर ए जर्मनी, नंबर बी भारत, नंबर सी फ्रांस और नंबर डी है इटली। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, इटली। प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प नंबर ए विल्सन, विकल्प नंबर बी लिंकन, विकल्प नंबर सी कैनेडी, विकल्प नंबर डी वाशिंगटन। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विल्सन। प्रश्न नंबर 8 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? विकल्प नंबर ए 1917, विकल्प नंबर बी 1918, विकल्प नंबर सी 1919, विकल्प नंबर डी 1920। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 1918। प्रश्न नंबर 9 है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंबर ए तमिलनाडु, नंबर बी कर्नाटक, नंबर सी आंध्र प्रदेश, नंबर डी है केरल। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 10 है, भारत देश के संविधान में कुल कितने भाग हैं? नंबर ए 22, नंबर बी 25, नंबर सी 21 और नंबर डी है 410। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 22, यानी भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं।